आज है 22 जुलाई और इस तारीख का संबंध है दक्षिण भारत के एक किले की कहानी से, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन जीता था। शुरू करते हैं। 1634 से उस दौर में बीजापुर में आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह कमज़ोर पड़ चुका था और इस कारण बीजापुर में अराजकता फैल चुकी थी। उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर सामंतों ने बीजापुर के अधिकतर किलों पर अधिकार जमा लिया था। शासक को कमज़ोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठाओं को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। रोहिदेश्वर, तोरना, राजगढ़, कोंडना और पुरंदर के किलों को जीतकर उन्होंने बीजापुर के ताकतवर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान दिल्ली में शाहजहां का शासन था। 1636 में शहजादा औरंगजेब सूबेदार नियुक्त हुआ और सूबेदार बनने के बाद सबसे पहले उसने बीजापुर पर हमला किया। इस लड़ाई में जीत के बावजूद वो खिंचा हुआ था। मुगलिया सल्तनत में आपसी विद्रोह चल रहा था, जिसके चलते औरंगजेब ने आगरा पर चढ़ाई कर दी और सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। शाहजहां को बदलकर औरंगजेब ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। उसका पूरा ध्यान उत्तर भारत की रियासतों पर था। इस कारण मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए शिवाजी ने दक्षिण कोंकण पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। कोंकण भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय हिस्सा है। आज के हिसाब से देखें तो कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। औरंगजेब जब रियासत पर अपनी पकड़ बना ली तो उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। तब तक शिवाजी 40 दुर्गों पर अधिकार जमा चुके थे। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखते हुए औरंगजेब ने जय सिंह को और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। मुगल सैनिक पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे, पर शिवाजी की युद्ध नीति कमाल की थी। पहाड़ी किले उनकी युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हर किले के अंदर एक ही रैंक वाले 3 अधिकारी तैनात किए जाते थे। अगर कोई भी दुश्मन से मिल जाता तो भी किले पर विजय पाना आसान नहीं था। वे गुरिल्ला तकनीक से छोटे छोटे गुटों में दुश्मन पर हमला करते ही शिवाजी अपनी सेना सहित जल्दी से गायब हो जाते और अपनी पहाड़ी दुर्गों में शरण ले लेते। इसी कारण औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था। इस दौर में शिवाजी और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें मुगलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो शक्ति में शिवाजी की सेना से ताकतवर थे। इस कारण 1668 में शिवाजी को औरंगजेब के साथ समझौता करना पड़ा। समझौते के अनुसार केवल 12 किलों पर उनका अधिकार बचा। 24 किलो उन्हें औरंगजेब को देने पड़े, जिन्हें बाद में उन्हें वापस जीत लिया। अपने अभियान के दौरान उन्होंने बीजापुर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, पर आधिकारिक तौर पर अभी भी वह राजा नहीं बने थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। दक्षिण दिग्विजय। मध्य भारत में शिवाजी का राज सशक्त लेकिन छोटा था। छत्रपति को लगा कि इस तरह मुगलों का सामना करना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की सोची। उनकी योजना थी कि वो अपने अभियान को दक्षिण की तरफ ले जाएं। इस तरह वो दक्षिण और उत्तर के बीच की सीमा को रक्षा कवच की तरह उपयोग कर सकते थे। योजना थी कि मुगल पर छोटे छोटे आक्रमण किए जाएं। मुगल सेना आक्रमण करे तो वो दक्षिण की तरफ पीछे हट सकते थे। मुगलों का विशाल सेना अपने संसाधन बहुत आगे नहीं ले जा सकती थी। इस तरह लड़ाई को लंबा खींचते हुए सैनिक थक जाते थे और ऐसे में उन पर हमला कर विजय पाई जा सकती थी। इसी योजना के तहत अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति दक्षिण की ओर बढ़ गए। इस अभियान को नाम दिया गया दक्षिण दिग्विजय। इस अभियान में 50,000 सैनिक भी उनके साथ थे, जिनमें 30,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल शामिल थे। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो, इसलिए उन्होंने औरंगाबाद के सूबेदार और गोलकोंडा के कुतुब शाह को साथ संधि कर ली गए। दक्षिण दिग्विजय की सफलता के लिए 2 किलों को जीत जाना बहुत ज़रूरी था, वेल्लोर और जिंजी का किला। शिवाजी अपने सेना को लेकर जिंजी किले पर पहुंचे। किला मोहम्मद नासिर खान के कब्जे में था। जिंजी उस समय के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। उन्होंने
चक्रवाती नदी के किनारे अपना कैंप बनाया और किले पर हमला कर दिया। जिंजी को जीतने के बाद अब बारी वेल्लूर किले की थी। आज के हिसाब से वेल्लूर चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में पलार नदी के किनारे पर स्थित है। इस जगह का नाम है तमिल शब्द वेल यानी भाले से आया है, वेल्लूर यानी भाला रखने का स्थान। वेल्लूर विजय। शिवाजी वेल्लोर पहुँचे, किले पर अब्दुल्ला खान का कब्जा था। छत्रपति ने देखा कि वेल्लोर किले की शुरुआत में शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जो उस किले की रक्षा करते थे। किले के चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई थी। खाई में पानी भरकर उसमें घड़ियाल छोड़े गए थे ताकि कोई किले पर हमला ना कर सके। किले पर चढ़ाई करना कठिन था और शिवाजी अपने साम्राज्य से दूर थे। बड़ी क्षति होने पर भरपाई होना कठिन था। तब छत्रपति शिवाजी ने सेनापति हंसाजी मोहिते के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने चारों तरफ से किले को घेर लिया। घेराबंदी इस तरह की गई थी कि ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। किले में राशन और बाकी ज़रूरी सामान जाने का भी कोई रास्ता ना था। 14 महीने तक सेना किले के बाहर डेरा जमाए रहे। किले के दोनों तरफ पहाड़ों पर 2 फोर्ट बनाए गए, सजरा और गोजरा। जैसे ही कोई किले से बाहर निकलता ऊपर से उस पर निशाना बनाना आसान था। किले की रक्षा में तैनात 500 में से 400 सैनिक मार दिए गए। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो अब्दुल्ला खान किले से बाहर आया और उसने सरेंडर कर दिया। 22 जुलाई 1678 को वेल्लूर का किला मराठा साम्राज्य के अधीन हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये किला एक बार फिर मुगलों ने जीत लिया। 1806 में इसी किले में मशहूर वेल्लूर म्यूचनी हुई थी जिसे 1857 क्रांति की पहली चिंगारी माना जाता है।